नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदू मोर्चा लाइव टीवी और मैं हूं राजा। आज के हमारे इस खास क्रम के मेहमान हैं दुर्गा प्रसाद तिवारी, जो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, और इन्हीं से हम जानेंगे कटहरी में होने वाले उपचुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं इनकी पार्टी की। इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। कटहरी में होने वाले अगर उपचुनाव की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई प्रत्याशी के रूप में कई आपके कार्यकर्ताओं ने नाम लिस्ट भेजी थी पार्टी को, लेकिन ऐसा क्या धर्मराज निषाद में पार्टी ने देखा? जितने लोग राजनीति करते हैं सब लोगों की इच्छा रहती है कि हम विधायक बने, सांसद बने, सबको टिकट मांगने का हक है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां उनके प्रत्याशिता को, उनकी लोकप्रियता को जांचने का प्रयास करती हैं। हमारी पार्टी भी चुनाव के पहले जितने भी प्रत्याशी आवेदन करते हैं सबका सर्वे कराती है। सर्वे में जिनका नाम सबसे ऊपर होता है उन्हें पार्टी का प्रत्याशी बनाया जाता है। तो आदरणीय धर्मराज जी पहले भी विधायक रहे हैं 3 बार, और क्षेत्र में उनकी काफ़ी लोकप्रियता है जनता के माध्यम से आवाज़ दिल्ली। क्या लगता है कटहरी में होने वाले उपचुनाव में आपको सफलता की बार मिल जाएगी? क्योंकि पार्टी की अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में आपकी करारी हार हुई थी। देखिए, हमारी करारी हार हुई थी, कुछ हमसे चूक हुई थी, चूक के कारण हमारी हार हुई थी। विपक्ष के लोग थोड़ा सा झूठी साजिश करने में सफल रहे, और मैं हमारी पार्टी उनकी झूठी बातों को सही रूप से पब्लिक के सामने जिस रूप से रखना चाहिए था नहीं रख पाई। लेकिन आज एक सवाल और है, भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो आपकी कार्यकर्ताओं में जो एक फील्ड में एक चर्चा का विषय बन चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कई गुटों में बढ़ चुके हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ये सब झूठी बातें हैं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अपनी हताशा को, अपनी निराशा को, अपनी हार को छिपाने के लिए वो नाना प्रकार के प्रलाप कर रहे हैं, और ये स्वाभाविक है, राजनीति षड्यंत्रों का खेल है, तो उनके द्वारा षड्यंत्र जारी है, होते रहेगा षड्यंत्र ऐसे। भारतीय जनता पार्टी को अगर अब की बार चुनाव में सफलता मिलती है तो जनता के बीच जो मुद्दों जिन मुद्दों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, क्या उनके सारे मुद्दे पूरे होंगे, या फिर आने वाले समय में किस तरह से क्षेत्र का विकास होगा? देखिए, कटहरी का हमारी पार्टी का उदय ही अंत्योदय के सिद्धांत पर हुआ है। समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति के चेहरे पर हरियाली मुस्कान लाना ही हमारी पार्टी का उद्देश्य है। तो हम लोग बिना क्षेत्र, बिना जात, बिना भाषा का भेद किए पूरा जो भी विकास करते हैं पूरे देश में, पूरे समाज में, पूरे प्रदेश में करते हैं। अटहरी में विकास कार्य जारी है। हमारे विधायक भले नहीं थे, सांसद भले नहीं थे, लेकिन वहाँ विकास कार्य जारी है। जहाँ कमियाँ रह जाएंगी, आज के पहले भी धर्मराज जी 15 साल विधायक रहे हैं, हर गली को जानते हैं, कूचे को जानते हैं, गांव को जानते हैं, तो वहाँ का फिर से सूची बना लेंगे और विकास हो जाएगा, विकास कार्य वहाँ जारी है। आप ही के कार्यकर्ताओं की अगर हम बात करें, बड़े ही उनके काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोअर अगर हम बात करें तो उनके क्षेत्र कटहरी विधानसभा की अगर हम बात करें, अवधेश द्विवेदी का नाम आता है, क्योंकि अभी बीते दिनों पहले अभी एक देखा गया था कि अवधेश द्विवेदी अस्पताल में भर्ती थे और वहाँ से जब घर की तरफ आने लगे तो कहीं ना कहीं उनके चाहने वालों की रोड पर भीड़ लग गई थी, उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अवधेश जी पार्टी के नेता हैं, 17 में 22 में चुनाव लड़े थे, तो स्वाभाविक है कि कार्यकर्ताओं का स्नेह उनके साथ होगा ही, और दुख की बेला में सबको जाना चाहिए। हम लोगों ने भी उनको फोन किया था, बात किया था, मिला था, वो सब वो ठीक हैं, इस समय आ गए। और बाकी उन्होंने क्या कहा आप लोग जानते ही हैं कि विपक्ष के लोग हमको साजिश के तहत बदनाम करना चाहते हैं। हम पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के साथ रहेंगे। कुछ इस तरह से भी जानकारियां आई थी कि ब्राह्मण कई गुटों में इस तरह से बढ़ते नज़र आ रहे हैं, इस पर क्या कहना? ब्राह्मण राष्ट्रवादी हैं, मंगल पांडे जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी,
फिर आप डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भारत सरकार की पहली कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन इन लोगों ने राष्ट्र के लिए कश्मीर में अपने प्राण की आहुति दे दी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, तो राम प्रसाद बिस्मिल जी। तो ब्राह्मण स्वार्थी नहीं है, ब्राह्मण राष्ट्र के लिए समर्पित रहने वाला है। तो चूंकि राष्ट्रवाद का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसलिए ब्राह्मण बिरादरी पूरी शिद्दत के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ, कमल के फूल के साथ खड़ा है।